यह है रेडमी का नोट 12 4G जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 15,000 रुपये के अंदर। आज मैं करूंगा इसका कैमरा टेस्ट। जो मेन लेंस है ना इसका 50 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और यहाँ पर LED फ्लैश है। और फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा। मैंने सारे सिंपल ले लिए, देखो भाई काफ़ी सारे सिंपल है, एक एक चीज़ को आपको जूम करके डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा वाइड के थ्रू, क्योंकि 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड अभी जनरली 15,000 के अंदर आना बंद हो गया है। यहाँ पर आप देखो ये अल्ट्रा वाइड का सैंपल है, इसमें कलर्स वगैरह डिटेल वगैरह आप देख सकते हो। थोड़ा सा ना ब्लर फोटो है अल्ट्रा वाइड में, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में खासियत है कि इसके कलर जो है ना वो मेन लेंस से ज़्यादा अच्छे अल्ट्रा वाइड में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखो ब्लूनेस स्काई का, और अभी मैं आपको 1x का दिखाऊंगा या मेन लेंस का फोटो, उसमें आप कलर देखना। तो यहाँ पर डिटेल वगैरह तो इनफ है, थोड़ी कमी आती है अल्ट्रा वाइड में जैसा आपको पता है। यहाँ पर देखो ये एक और अल्ट्रा वाइड का शॉट है, ये डायरेक्ट सन है, यहाँ पर सन है। उसके बाद भी इसका HDR रेंज और कलर्स आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा स्किन टोन वगैरह भी चेक करने की कोशिश की है, ठीक ठाक आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं मिलेगी अल्ट्रा वाइड में। ये मेन लेंस का फोटो है, 50 मेगापिक्सल पे हमने लिया है। यहाँ पर आप देखो भाई HD प्रीव्यू लिखा गया ना, 50 मेगापिक्सल पे ये रहेगा, तो डिटेल तो इनफ है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है। थोड़ा हमने लाइट को भी एडजस्ट करके देखा है। यहाँ पर आप देखो भाई पूरा सन के हमने लिया अगेंस्ट, तो डल कर दिया कलर, इसलिए मैं बोल रहा था अल्ट्रा वाइड के ज़्यादा बेटर है यहाँ पर मेन लेंस से अगर कंपेयर करें। ये देखो ये वाले कलर भी डल है, 50 मेगापिक्सल में हमने लिया है। यहाँ पर 2x पे हमने ये सैंपल लिया है, इतनी डिटेल है कि आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये देखो भाई विप्रो लिखा है, ये आप पढ़ सकते हो, इतनी डिटेल है इसके अंदर। ये 5x का फोटो है और ये 10x का, 10x पे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि विप्रो लिखा, WIPRO, इतनी डिटेल है कि पढ़ सकते हो बस इतना। ये भी मेन लेंस का फोटो है, इसमें भी आप देखो भाई ऑटो फोकस, बैकग्राउंड ब्लर इतना अच्छा है। ये स्किन टोन है 1x, 2x, 5x और ये 10x, तो 5x तक तो ठीक ठाक क्वालिटी है, मतलब ज़्यादा नहीं है बट ब्लर फोटो है, पर ठीक है एवरेज है। यहाँ पर हमने कुछ और सैंपल लिया, ये अल्ट्रा वाइड का है। ये देखो अल्ट्रा वाइड पे कलर्स कितने अच्छे हैं, मेन लेंस पे कलर थोड़े डल हो गए। हमने जूम और करके देखा है ये 5x, यहाँ पर स्किन टोन आप देख सकते हो डायरेक्ट सनलाइट है फेस पे, थोड़ा सा हार्श फोटो आ रहे थे, उतने खास फोटो लगे नहीं। ये अल्ट्रा वाइड का सैंपल है, ये भी अल्ट्रा वाइड है, अल्ट्रा वाइड काफ़ी अच्छा है। ये 1x का फोटो है, ये 1x का फोटो है, यहाँ पर आप डिटेल वगैरह देख सकते हो। छाँव में हमने ली थी थोड़ी फोटो, क्योंकि धूप में तो उतनी खास नहीं आ रही थी, बट डिटेल आप बोल सकते हो कि अच्छी है नो डाउट। यहाँ पर पोर्ट्रेट्स की अगर बात करें तो ये देखो भाई कुछ इस तरह की डिटेल, पोर्ट्रेट में तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, डिटेल्स वगैरह भी अच्छी है, बैकग्राउंड ब्लर भी आप देखो प्रॉपर इसने करा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं मिला। यहाँ पर हमने और सैंपल लिए पोर्ट्रेट्स में, तो ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ और पोर्ट्रेट। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हार्ड हो गई थी चीज़ें, जैसे यहाँ पर ये पत्तियाँ हैं, इस साइड पत्तियाँ हैं, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम कर आती है लेने में फ़ोटो, पर उसने अच्छे से मेंटेन किया। यहाँ पर हमने कुछ और सैंपल लिए, देखो भाई कुछ ये अभी डायरेक्ट सन लाइट फेस पे आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने कुछ और पोर्ट्रेट्स लिए, अब यहाँ पर पीछे सन है, अगेंस्ट द लाइट हमने लिया है, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर सैंपल इसने निकाल कर दिए। मतलब पोर्ट्रेट में ज़्यादा अच्छा काम करा, अगर बैक से कंपेयर करूँ पोर्ट्रेट ज़्यादा अच्छा है। सेल्फी की अगर बात करें तो देखो भाई 13 मेगापिक्सल है, उसके बाद भी जो डिटेल है काफ़ी अच्छी है, एक एक चीज़ यहाँ पर प्रॉपर दिख रही है, और हमने अलग अलग एंगल से भी लेने की कोशिश करी, तो यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरह की है। इसका HDR ऑन करने के बाद और फोटोज़ अच्छी आती है, यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे ये नॉर्मल मोड है, यहाँ पर पीछे वाइट वाइट दिख रहा है, इसका जब मैं HDR ऑन करूँगा तो देखो अभी पूरा ब्लू ब्लू भी दिख रहा है, स्काई भी प्रॉपर आ रहा है, वो जिस तरह का इसका सेल्फी है यहाँ पर आप देख सकते हो। बिल्कुल लो एंगल से लिया है, उसके बाद भी डिटेल शार्पनेस काफ़ी सही है, पीछे स्काई देख सकते हो। सेल्फी के जो पोर्ट्रेट्स हैं उसमें देखो आप डिटेल कितनी प्यारी है, और बैकग्राउंड ब्लर ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर इशू आता है, जैसे यहाँ पर एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम आया, कभी कभी आता है, हर बार नहीं आता है। बाकी फोटोज़ इसने काफ़ी अच्छी निकाल कर दिए, ये वाला फोटो तो भाई पर्सनल फेवरेट लगा। पीछे आप देखो कितना अच्छे से ब्लर किया है, छोटे छोटे से फ्लेयर्स क्रिएट किए, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अगेंस्ट द सन हमने लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़िया फोटो है। अब बात करते हैं वीडियो की, तो 1080p 30fps है इसके अंदर लास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अल्ट्रा वाइड पे रिकॉर्ड हो रहा है 720p। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अल्ट्रा वाइड में स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, किसी भी फ़ोन से कंपेयर करो। अब ये 1x पे हमने सैंपल लिया है, 1x का भी दिखाता हूँ, ये देखो ये 1x का है, तो स्किन टोन आप देख सकते हो, धूप वगैरह भी डायरेक्ट फेस पे आ रही है, और कुछ इस तरह का यहाँ पर रिजल्ट है। स्टेबिलिटी भी वगैरह भी ठीक ठाक है, मैं आपको ऑटो फोकस और स्टेबिलिटी और दिखा देता हूँ थोड़ा अच्छे से। तो ये वाला सैंपल आप देखो पहले सेल्फी का, सेल्फी में आप देख सकते हो 13 मेगापिक्सल का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जज करना, ठीक ठाक सा वीडियो यहाँ पर बना कर दे रहा है, ऐसा कोई भी इशू मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लो एंगल से भी हमने ट्राई किया अलग अलग एंगल से, स्किन टोन वगैरह भी अच्छी है, बट हाँ सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए आप इस फ़ोन को नहीं ले सकते हो, कहीं ना कहीं कमियाँ तो है इस फ़ोन में। अब मैं आपको बैक कैमरे का थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी वगैरह दिखा देता हूँ, और आपको दिखा देता हूँ कलर्स किस हिसाब से है, ऑटो फोकस किस हिसाब से। थोड़ा ना इसमें कलर डल लगे, पता नहीं क्यों, बाकी डल कलर है, अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा अच्छे हैं और नॉर्मल मोड में डल कलर आए। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो क्वालिटी, बस ये इस तरह की इसकी वीडियो क्वालिटी है,
आप देख सकते हो स्टेबिलिटी चल के दिखा रहा हूँ, और कलर्स वगैरह तो भाई बताया मैंने, डल है मतलब मज़ा नहीं आया। स्लो मोशन भी इसके अंदर दिया हो तो स्लो मोशन आप देख लो, कुछ इस तरह से है स्लोमो, मतलब एक बेसिक सा स्लोमो आप बोल सकते हो, 10-15 हज़ार की रेंज में इस टाइप से स्लोमो आता है, तो उतना खास यहाँ पर आपको स्लोमो लगेगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि बहुत बेसिक सा स्लोमो है। अभी हम नाइट के भी फोटोज़ मैंने लिए ना, नाइट के फोटोज़ में आपको दिखाता हूँ, हमने रात को भी कुछ सैंपल्स लिए थे। अभी इंडोर का भी दिखा देता हूँ कि इंडोर में कैसी क्वालिटी आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो भाई, ये अल्ट्रा वाइड का शॉट है, ये 1x का शॉट है, ये वाला भी 1x का है, तो इसमें डिटेल वगैरह आप देखो कुछ इस तरह की है। और ये सेल्फी, भाई सेल्फी काफ़ी सही लगा मुझे इंडोर में, तो सेल्फी काफ़ी सही आ रहा है। वीडियोज़ भी हमने लिए थे, वीडियोज़ तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये रात का फोटो है, रात में आप देखो कुछ इस तरह से थोड़ा सा ब्लर फोटो आते हैं, यहाँ पर आप देखोगे क्लेरिटी कुछ इस तरह का है। ये देखो भाई, ये 2x का फोटो है, 2x पे कुछ इस तरह की क्वालिटी है। सेल्फी यहाँ पर आप देखो, आउटडोर में सेल्फी भी इतना खास काम नहीं कर पा रहा है भाई, 15 हज़ार रुपये में और क्या लोगे, बस ये बोल सकता हूँ। ठीक ठाक से फोटो आप इसको बोल सकते हो, रात में कुछ इस तरह से लेता है, मतलब ब्लर फोटो तो आते हैं, डिटेल उतनी खास रात को नहीं मिल पाएगी, ये तो नो डाउट। सो उम्मीद आपको उसका कैमरा टेस्ट पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू भी हमारे चैनल पर है, और इसके हिडन फीचर भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।